मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब केंद्र शासित दमन दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी दमन होगी। हाल ही में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने दादर नगर हवेली और दमन दीव में GST लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही 6 NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परमानेंट परिसरों की स्थापना के लिए कैबिनेट ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिनमें अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पुडुचेरी और दिल्ली के NIT शामिल हैं। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने OBC आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।